of 8th standard. Today I'm going to continue with the 2.1 vocation chapter. Vocation is nothing but the poem. When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our land. When the gong sound 10 in the morning, I walk to school by our land. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. मतलब जब किसी मेटल का आवाज़ आता है 10 बजे सुबह में, गोंग साउंड मतलब मेटल साउंड ना, तो मैं स्कूल जाते रहता हूँ उस टाइम पे. हर दिन मैं उस हॉकर्स को मिलता हूँ, सेलर को मिलता हूँ जो बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल चिल्लाता है. देर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो, नो टाइम एंड वेन ही मस्ट कम होम. मतलब कुछ भी उसको घाई नहीं रहती है, उसके लिए कोई रोड फिक्स नहीं होता है, कोई जगह फिक्स नहीं होती, कितने बजे आना है घर पे उसको वही फिक्स नहीं होता है. आई विश आई वेयर ए हॉकर, मुझे मेरे सपना है कि मैं हॉकर बनूँ. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड से क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, मैं चाहता हूँ कि मैं रोड पे चिल्लाते जाऊँ बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम दिस स्कूल, जब मैं 4 बजे घर से वापस आता हूँ. आई कैन सी थ्रू सी द गेट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, मैं देखता रहता हूँ कि गार्डनर जो है गड्ढा मतलब जमीन को खोदते रहते हैं. ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज पैड, ही स्वाइल्स हिज क्लॉथ्स विथ डस्ट, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बैग्ड इन द सन और गेट्स वेट. वो जो उसको पसंद है अपने स्पैड से वो करता है, मिट्टी पूरा निकालता है, अपने कपड़े को गंदा करता है, उसको कोई भी कुछ बोलता नहीं है. एंड वो सन में उसके जो कपड़े गीले भी होते हैं और सन मतलब बारिश में गीले भी होते हैं, सन में सूख भी जाते हैं. आई विश आई वेयर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, मैं चाहता हूँ मैं गार्डनर बन जाऊँ जिससे कि मुझे कोई रोके नहीं जमीन खोदने से. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, जैसे रात होता है तो इवनिंग में मेरी माँ मुझे बिस्तर पर भेज देती है. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं देखता हूँ कि वॉचमैन जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं. लैंड इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ गिएंट विथ वन रेड आईज इन इट्स हैंड इन इट हेड. लैंड जो है एकदम डार्क हो गया है, अकेला हो गया है. एंड स्ट्रीट लैम्प जो है एक शैतान की तरह दिख रहा है जिसके सर पे एक लाइट जली हुई है. वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड, ओनली नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ. वॉचमैन जो है लैंटर्न के साथ घूम रहे हैं, शैडो के साथ घूम रहे हैं और वो कभी बेड पे नहीं जाता है. आई विश आई वेयर अ वॉचमैन वॉकिंग टू स्ट्रीट ऑल नाइट, मैं चाहता हूँ मैं वॉचमैन बन जाऊँ, पूरी रात घूमते रहो. चेजिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न, मैं अपने शैडोज के साथ कंपटीशन करूँ. ओके, तो दिस विल बी द पोएम. आपको क्वेश्चन वर्ड मीनिंग करना है. गोंग मतलब फ्लैट मेटल बेल रैंग टू ड्रॉप पीपल्स अटेंशन, मेटल का कुछ आवाज़ करना जिससे पब्लिक का ध्यान जाए. टेक समवन टू टास्क, स्कोल्ड एंड करेक्ट, राइट. वन आइट गेंट रेफरेंस टू कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी. एंड चेजिंग टू साइड ऑफ फॉलोइंग एन इमेजनरी गोल टारगेट, इमेजनरी टारगेट सेट करना, ठीक है. क्वेश्चन इज वॉट डज द हॉकर्स एडवर्टाइज अलाउड. एवरी डे द हॉकर्स क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, दिस विल बी द आंसर. हु इज स्कॉल्डेड इफ ही गेट्स डर्टी, बॉय. Writer, boy is scolded if he get dirty. What accomplish the watchman? Watchman ko kaun accomplish kar raha hai? The watchman saying his lantern and walks with his shadow at his side and never comes go to bed. This will be the answer of third question. Okay. Then a student, you have to write the word meaning. This first, second, third. And fourth, you have to write the answer of first question, second question, and third question. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.